बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान मुस्तफ़ी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसको आप ट्रिप भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करना कर रहे हैं, अगर कोई आपका बिजनेस नेम है, आप उसको उससे रिलेटेड ट्विटर पर अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से अगर आपका ट्विटर अकाउंट लॉक हो चुका है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2019 में या 2016 में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आप उससे रिलेटेड अपना ट्विटर का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे अपना ट्विटर का अकाउंट बना सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ इस मालूमात को आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो सबके लिए ये रूल्स देखे ना ट्विटर के, तो रूल जो ट्विटर का रूल्स है वो 13 साल से कम उम्र कोई भी शख्स है ट्विटर को ऊपर अपना अकाउंट नहीं बना सकता। तो मेरा एक अकाउंट है जो मैंने 2015 में अपना एक कोचिंग सेंटर लॉन्च किया, तो मैंने उसकी ट्विटर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ में वही डेट लिख दी जो कोचिंग सेंटर के डेट के है उसको शुरू करने की, तो लेकिन उसकी वजह से मेरा अकाउंट जो अच्छा हो गया वो लॉक। लेकिन अब उसका जो मैंने उसके लिए रिव्यू किया, उसको अपील फॉर्म के लिए मैंने उसको अपने अकाउंट को ओपन किस तरह से किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपने अपना आईडी कार्ड यूज़ करना है। आप अपना अगर आप 13 साल से कम उम्र है वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो 13 साल से कम उम्र है वो भी अगर ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स का या किसी भी उसे अपने रिलेटिव का आईडी कार्ड यूज़ कर लें जो 13 साल से ज़्यादा हो। रिव्यू में जाकर आप अपने उस आईडी कार्ड को फ्रंट पिक्चर ले लें और बैक पिक्चर आईडी कार्ड से लेकर आप उसको रिव्यू फॉर्म में फिल कर देंगे, तो आपका ट्विटर का जो अकाउंट है जो लॉक हुआ हुआ है वो ओपन हो जाएगा। तो इस सारे सिनेरियो को आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपनी आ जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो मैं वहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरह से मैंने अपने लॉक्ड अकाउंट को ओपन किया था। चले चलते हैं अपने लैपटॉप पर। ये अकाउंट मेरा ट्विटर का लॉक है, जहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है योर अकाउंट इज लॉक्ड। तो उसके रीज़न भी ये है, आवर टर्म ऑफ सर्विस रिक्वायर्स एवरीवन हु यूजेस ट्विटर टू बी 13 आर ओल्डर एंड वी हैव डिटरमिंड दैट यू डिड नॉट मीट दिस मिनिमम एज रिक्वायरमेंट एट द टाइम दिस अकाउंट वॉज क्रिएटेड। तो वो कहते हैं प्लीज़ विजिट दिस फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो हमारे पास जो सा है वो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा रिक्वेस्ट रिव्यू। इस फॉर्म को हमने कंप्लीट करना है और सबमिट करना है, तो हम अपने अकाउंट को क्या है ओपन है वो क्या कर सकते हैं जो लॉक हुआ हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फुल नाम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ मेरा नाम है जी उस्मान अजीज़, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने लिखा हुआ है जी अपलोड अ कापी ऑफ योर वैलिड गवर्नमेंट इशू कार्ड टू कन्फर्म योर आइडेंटिटी ड्राइवर लाइसेंस पासपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट। अब मैं यहाँ पे यही चीज़ ये वाला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा करें जो भी आईडी कार्ड आपके पास है, आपके भाई का, आपके वालिद साहब का, जो भी जिस जो ये आईडी कार्ड 13 साल से ज़ायद उम्र होने का सबूत दे, तो आप उसी को अपलोड कर दें। यहाँ पे मैं अपलोड करने लगा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक आईडी कार्ड है मेरे एक फैमिली मेंबर का, मैं उसी को अपलोड करने लगा हूँ। ये हो गया, ये मैंने कॉपी को अपलोड किया, अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। ये यहाँ पे ये मैसेज आ गया। अब हम वेट करेंगे जब तक ये रिस्पांस मिलता है तब तक कि हमारा अकाउंट ओपन हुआ है लॉक्ड अकाउंट या नहीं। तो कुछ देर तक हम इंतज़ार करेंगे, 2-3 घंटे तक, फिर देखते क्या होता है। रिव्यू फॉर्म फिल करने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे भी दिखाया, मैंने रिव्यू फॉर्म फिल कर दिया और मैंने मेल कर दी अब ट्विटर को, तो अब मैं कुछ दिन वेट करूंगा। वेट करने
तो जैसे उन्होंने कहा है वो 3-4 दिन तक उसका रिप्लाई आ जाएगा, जैसे रिप्लाई आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप ये वीडियो जो उनसे मैं उसके प्रोसीजर मतलब मेल कर चुका, मेल करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे रिप्लाई आ चुका है, तो मैं चले आप लोगों के साथ वो रिप्लाई भी शेयर करता हूँ। यानी जब आपने अपील करी है, रिव्यू फॉर्म फिल किया, रिव्यू फॉर्म फिल करने के कुछ दिन बाद आपको वो आपके अकाउंट को रिस्टोर कर देंगे, तो आप दोबारा से ट्विटर की तमाम सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं। चले देखते हैं जी, हमें उन्होंने जो मेल की है, मुझे देखते हैं जीमेल के अंदर मुझे ईमेल आई है कुछ दिन बाद, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी ये ट्विटर की तरफ से मुझे ईमेल आई है, वो कहते हैं हेलो थैंक्स अगेन फॉर गेटिंग इन टच विद अस, वी हैव रिव्यूड योर मटेरियल, अपडेट द डेट ऑफ बर्थ इन योर प्रोफाइल एंड वी हैव रिस्टोर्ड एक्सेस टू योर ट्विटर अकाउंट, यू मे नो एक्सेस योर अकाउंट थ्रू योर मोबाइल ऐप और ट्विटर। यानी इस ईमेल के मुताबिक वो हमें कहते हैं कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसको रिस्टोर कर दिया गया, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलें देखते हैं, अब ट्विटर को मैंने ओपन कर लिया, लॉगिन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं वो वाला अपना अकाउंट लिखता हूँ जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी और उसका मैं पासवर्ड रखता हूँ, लिखता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया जी, और ये देखें मेरा जो ट्विटर अकाउंट था वो ठीक तरह से ओपन हो गया। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ को जो आपने लिखी उसको चेंज मत कीजिएगा। तो ये था जी आज का एक छोटा सा ट्रिक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोग 13 साल से कम हैं तो अगर आप ट्विटर का अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग आसानी के साथ अपना ट्विटर का अकाउंट भी बना सकते हैं, अपने किसी गार्डियन का, पेरेंट्स का, बड़े भाई का या उस शख्स का आप आईडी कार्ड यूज़ कर लें जिसकी एज 13 साल से ज़्यादा हो, तो आप अपने डिज़ायर्ड टाइम के साथ अपना ट्विटर का अकाउंट बना भी सकते हैं। और या अगर आपका ट्विटर का अकाउंट लॉक हो चुका है तो आप इस मेथड के मुताबिक आप अपने उस ट्विटर के अकाउंट को ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद साथ इस बेल का आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह से जो मैं वीडियो बनाऊँ, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ, जो ट्रिक्स बनाऊँ, जो ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, उसकी तमाम वीडियोज़ आप लोगों के मिल सके। तो नई वीडियो में मिलते हैं, फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।